शांति ओम शांति आज की तारीख है नौ पाँच बीस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है हम जिन आत्माओं ने भगवान को पहचाना उनका प्यार बाप से विदेही बाप से अशरीरी बाप से किसी भी देहधारी से नहीं तो बाबा भी कहते कि बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है शिव बाबा ने हमें देहधारी को प्यार करना नहीं सिखलाया लेकिन आत्मा जो विदेही ही है विदेही को कैसे प्यार करें? वो हमको बाबा ने आकर के सिखलाया तो बाबा ने आत्मा से प्यार करना सिखलाया है शरीर से नहीं प्रश्न है किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है और माया जीत बनने की युक्ति क्या है उत्तर है तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करे तो इस याद में ही माया के विघ्न पड़ते हैं बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी कि हमारे साथ कौन है उस्ताद है कौन सा उस्ताद जो माया पर जीत पहनाता है जिससे माया डरती है जिससे माया के बंधन टूटते हैं तो बाबा कहते तुम उसको पहचान कर उस उस्ताद को यानी शिव पिता को याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे सेवा करने में भी निडर हो जाएंगे माया जीत भी बन जाएंगे और माया के ऊपर विजय भी प्राप्त कर लेंगे गीत बजा है बहुत ही अच्छा अति पुराना गीत इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल ले चल तू कहीं ले चल जित चैन जहां पाए ले चल तू वहीं ले चल धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु नंबर एक श्रीमत पर चलकर बादशाही लेनी है जो श्रीमत मानेगा स्वीकार करेगा श्रीमत लेगा और उस पर चलेगा उसको बादशाही पद प्राप्त होगा चावल मुठ्ठी दे इक्कीस जन्मों के लिए महल लेने हैं भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है अब संकोच नहीं करना है कि भाई वो तो एक लाख रुपया दे रहे हैं वो तो इतनी सारे पदार्थ दे रहे हैं हम तो गरीब ठहरे हम तो इतना दे नहीं पाते हम एक रुपया ही दे सकते हैं हम तो एक मुट्ठी चावल ही दे सकते हैं प्रभु को तो हमको ये नहीं सोचना है प्रभु ने क्या किया सुदामा का मुट्ठी चावल लेके रिटर्न में क्या किया महल दिया तो प्रभु अंदर की भावना को देखते हैं और फिर आप अपनी इस आधार पे कमाई जमा करो नंबर दो गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे काम हम करते रहे अपना लेकिन बुद्धि में बाबा की याद घूमती रहे वरदान सतगुरु बाप का हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का हजार भुजा वाले कौन शिव बाबा हजार भुजा वाले फिर ब्रह्मा बाप को भी अपने समान बनाया तो वो भी हजार भुजा वाले बने, तो ऐसे हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ उनके साथ का जो निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पार्ट चल रहा है जैसे आत्मा के बिना कुछ नहीं कर सकती वैसे बाप दादा के बिना रुपी बच्चे कुछ कर नहीं सकते हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है हा पहले ब्रह्मा बाप का सहयोग है जब तक स्थापना का पार्ट है तब तक बाप दादा बच्चों के हर सेकंड और सेकंड में साथ साथ है हर सेकंड बाबा बच्चों के संकल्प में भी साथ है और वैसे भी चलते फिरते भी साथ में है इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो अपने को बाप से जुदा न समझे और जुदा हो जाए और फिर हम कहें हम वियोगी बने नहीं ऐसे वियोगी बाबा कहते नहीं बनो प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ गुण गान करो लेकिन घायल नहीं बनो बाप के गुणों का गान करो ब्रह्मा बाप की भी विशेषता देखो आत्माओं में भी विशेषता देखो उनके गुणों का भी गायन जरूर करो परंतु इतने गायन करके मग्न मत बनो जो आपको वो घायल कर दे तो घायल मत बनो बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो प्रत्यक्ष स्वरूप क्या रहा सेवा करे परंतु स्नेह से करे तो स्नेह पूर्ण सेवा हमारी बाप को प्रत्यक्ष करेगी स्लोगन है अशरीरी स्थिति का का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओम शांति टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियो ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब ऑन Youtube.com slash TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.